नौकरी के नाम पर नौकरी प्राप्त करने वाले फर्जी अध्यापक को एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार। कूट रचना कर बनाया फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र व पैन कार्ड, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सहित अन्य दस्तावेज किए बरामद, भेजा जेल। जनपद में राप्ती और सरयू नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। रोहिन नदी का पानी उतार पर कई गांव में नदियों का पानी तेजी से घुसने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जिला आपदा प्रभारी ने कहा 25,000 बाढ़ राशन किट को बांटने का दिया गया है आदेश। लगभग 8,000 राशन किट का कर दिया गया है वितरण। की पानी की वजह से बढ़नी से लेकर गोंडा के बीच के रूट को किया गया है ब्लॉक। पूर्वोत्तर रेलवे की एक ट्रेन हुई निरस्त, रूट बदल कर चलाया जा रहा है लंबी दूरी की ट्रेनों को। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और स्नातक निर्वाचन के निर्वाचन नामावली के परिवर्धन एवं संशोधन एवं विलोपन की महत्वपूर्ण बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। संपन्न कहा नामावली के संशोधन परिवर्धन और विलोपन में सभी लोग गंभीरता से करें मदद, इसके लिए फॉर्म भी कराई जा रही है उपलब्ध। दीपावली और छठ में यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए 57 स्पेशल ट्रेनें चला रही है पूर्वोत्तर रेलवे। यात्रियों की बढ़ी है डिमांड, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। हर घर खादी कार्यक्रम की पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने की शुरुआत। कहा सभी नागरिकों को एक कपड़ा जरूर पहनना चाहिए खादी का, खादी वस्त्र ही नहीं है विचार।